बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे साथ आज बड़ी खूबसूरत और अजीम शख्सियत मुझे मौजूद है जनाब सनवर गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, हम कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सनवर भाई आप सुनाए, सेहत भी ठीक है? अल्लाह जी का बड़ा करम, शुक्र सर। सबसे पहले तो अपना कीमती वक्त देने के लिए मैं आपका बड़ा ममनून हूँ। और मुझे माशाल्लाह ये बताइएगा कि ये समा जगमगा है और आप एक बड़ी पकीज़ा जगह खड़े हैं, तो इस हवाले से मुझे बताइए आप क्या पैगाम देना चाह रहे हो? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो तमाम उम्मते मुस्लिमा को मैं आज रबीउल अव्वल का फर्स्ट डे है मैं चांद मुबारक कहूँगा। और फिर आज हम पीर जी सरकार जी के दरबार पे खड़े हैं और यहीं पे से आज का इफ्तिताह हुआ है। और अभी आप देख रहे होंगे हमारे अकब में महफिल मिलाद भी रवान हुआ है और रहमतों का ये महीना स्टार्ट हो चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम उम्मते मुस्लिमा को ये दूंगा कि इस महीने में ज्यादा से ज्यादा आप दुरूद शरीफ पढ़ें, सरकार पर दुरूद शरीफ की बरसात करें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, वुजू में रहें और नेक अमल करते रहें। अच्छा सुमर भाई, आपने एक बड़ी अच्छी बात की, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि आप सियासी भी शख्सियत हैं, समाजी भी शख्सियत हैं, आजकल लोगों के हालात इस पुरफितन दौर में एक जनरल सी बात है कि खराब हुए हैं, लेकिन जो बंदा मिलाद शरीफ के जो बड़े बड़े प्रोग्राम कराता था अब वो सिमट कर क्लोज हुए हुए हैं, तो उन लोगों से आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे और उनसे क्या एक उनको मशवरा देना चाहेंगे कि मिलाद रोकना नहीं चाहिए, किसी ना किसी तरीके से इसको जारी रखें? इमरान भाई, जिस तरह आपको पता है कि हजूर खाना काबे में मैं तवाफ कभी नहीं रुकता, इसी तरह सरकार का मिलाद कभी नहीं रुकेगा। बड़ी बात है। एक महीना आ जाता है कि मुहर्रम का, उसमें कुछ लोग कम हो जाते हैं क्योंकि सारे हज के बाद वापस चले जाते हैं, लेकिन वहां पर एक बंदा हो तब भी तवाफ नहीं रुकता, 100 बंदा हो तब भी नहीं रुकता। तो मिलाद दो बंदे बैठ के सरकार का मना रहे हो तो उसमें कोई कमी नहीं आती, 2000 मना रहे हो तो कोई कमी नहीं आती। तो लिहाजा सरकार का मिलाद क्वांटिटी से नहीं होता, क्वालिटी से होता है। सही बात है। और आज आप जिस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, ये माशाल्लाह 12 रोजा एक जश्न का अपना एक अरेंजमेंट करते हैं, तो इस हवाले से आप पब्लिक से क्या, हम स्पेशली हमारी यूथ से क्या रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने काम शाम से फारिग होकर आना चाहिए या वैसे ही अपने टाइम को जाया करना चाहिए? देखिए जी, जिस तरह माशाल्लाह पूरा महीना रमजान का सदाए सान तमाम सनाखानों को बुलाती है और पूरी रात महफिल नात खानी होती रहती है, आपसे गुजारिश है कि वक्त अपना जाया मत करें। जो लोग बाहर इस वक्त क्लबों में बैठे हैं, रोड पे बैठे हैं, होटलों पे बैठे हैं, आपसे गुजारिश करूंगा जिंदगी में ज्यादा नहीं तो ये 12 दिन आप सरकार के दुरूद शरीफ में गुजार दें। सरकार जी आ जाए, जो भी आपके पीर मुर्शिद है वहां पर जाएं और हजूर सर की शान में आप लोग कसीदे पढ़ें। माशाल्लाह। और काइंडली हमें ये लोकेशन बता दीजिए, अगर कोई आना चाहे तो कैसे इधर पहुंचे? हाँ जी, ये आप बाग सरदारा है, बहुत मशहूर जगह है रावलपिंडी की, बाग सरदारा, इसको 8 नंबर चुंगी भी कहते हैं और 26 नंबर पॉइंट भी ये होता है। तो इसमें आप आके देखें, किसी से पूछें कि पीर जी सरकार जी के दरबार पे जाना है, उनके आस्थाने पे जाना है, तो आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे और 12 दिन में पूरे पाकिस्तान से बड़ा सनाखान और बड़े से बड़े नकी। रावलपिंडी के अंदर एक बहुत बड़ी एक तंजीम है जिसका नाम सीरत मिलाद कमेटी है और उनके कायम मुकाम सदर और हमारे माशाल्लाह सीनियर नायब सदर जनाब आसिम अल्लाह कुरैशी साहब और भाई हाजी महमूद मोहम्मद महफूज साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं पहले हाजी साहब से आगाज करूंगा। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाजी साहब, सबसे पहले टाइम देने का बड़ा शुक्रिया आपका। और आप ये बताएं कि आपकी सेहत भी ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। माशाल्लाह, हम देखते हैं अक्सर सोशल प्लेटफॉर्म पे आपको बड़ा एक्टिव, लेकिन आज आपके एक्टिव होने का जो हमें एक राज नजर आ रहा है कि हजूर के साथ मोहब्बत, हजूर के मिलाद के साथ मोहब्बत, इस हवाले से मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ आए तो हैं लेकिन एक मैसेज हमें जो हमारी ऑडियंस को जाना चाहिए कि पुरफितन दौर है, लोग बस ओके यस की वो देख रहे हैं, बैठे लाइक कर रहे हैं, कैसे मदु करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी टीम का, कि आपने मुझे जो सा मौका दिया मेरी आवाज़ को आला सतह पर पहुँचाने के लिए।
हम यहाँ पर आज मौजूद हैं 4 नंबर चुंगी रावलपिंडी में, और जैसा कि आपको मालूम है कि मरकजी सीरत मिलाद कमेटी रावलपिंडी के सदर नदीम शेख साहब वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, तो रबी अव्वल के दिन वो मक्का और मदीना शरीफ में गुजारेंगे, तो उस हवाले से उन्होंने कायम मुकाम सदर की जिम्मेदारी मुझे सौंपी, तो मैं उसको लेकर चलते हुए अपनी जितनी भी सलाहियतें हैं उसको बरकरार लाते हुए इंशाल्लाह मैं बेहतरीन किरदार अदा करूँगा जैसे वो करते रहे। तो आपको पता है कि मरकजी सीरत मिलाद कमेटी बेसिकली जौन सा ये मिलाद शरीफ के जुलूस के हवाले से जितने भी खुराफात होते हैं उसमें बेहतरी लाने के लिए काम कर रही है और उसकी खूबसूरती के लिए काम कर रही है, तो हमारी ये कोशिश है कि हमारी हाज़िरी हो जाए और अल्लाह ताला अपने हुज़ूर की बारगाह में हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए। और आज हम ये जो 4 नंबर चुंगी रावलपिंडी में आए हैं, आप ये ज़रा अगर कैमरामैन चेक कराए तो ये चरागाह देखें, तो इस चरागाह में माशाल्लाह कितनी खूबसूरती नज़र आ रही है, सब हुज़ूर के जश्न के हवाले से जो है ना तैयारियाँ हो रही हैं। तो ये यहाँ पर पीर सरकार जी असाना आलिया कलंदरिया मोहम्मदिया उनके प्लेटफॉर्म पे, तो ये उन्होंने बकायदा यहाँ पे पूरा चरागाह किया जिसकी आज इफ्तिताही तकरीब थी, तो यहाँ पर हम उसके साथ शामिल हुए हैं, तो उस इफ्तिताही दुआ में भी थे और यहाँ पे बकायदा तौर पे मशल बरदार रैली भी हुई, तो बहुत ज़बरदस्त हर साल होती है, तो ये 25वीं सालाना अज़ीम शान आल पाकिस्तान 12 रोज़ा जुलूस ये लाइटिंग का तमाम और ये मिलाद शरीफ का निकाह यहाँ पर होता है। अच्छा मैं आपको टोक रहा हूँ, एक मेरे ज़हन पे एक सवाल आ रहा था कि हम देखते हैं कि कुछ लोग अपनी जेब से देते हैं, कुछ लोग इकट्ठा करते हैं, तो आप एक बड़े खानवादा से खुद ताल्लुक रखते हैं, एक बड़ी जमात से सियासी भी आपका ताल्लुक है, समाजी भी है, इस हवाले से जो लोग ले के खा जाते हैं वो लोग और जो ले के लगा रहे हैं वो लोग, उनमें आप क्या डिफरेंस देख रहे हैं? देखें मैं समझता हूं कि जो हुजूर के नाम पर आप किसी से फंड लेते हैं तो वो बड़ा गैर मुनासिब है कि उसको खा जाए, यूटिलाइज तो उसको जिस मकसद के लिए आप लेते हैं तो उस मकसद के हवाले से आप यूज़ करें, तो मिसाल के तौर पे मिलाद के हवाले से लिया है तो उसको बकायदा लाइटिंग के हवाले से स्टेजेस के हवाले से वो वहाँ पर लगाएं, वो आप किसी और जगह पर इसको यूटिलाइज ना करें, जिस नियत से जो भी फंड इकट्ठा किया जाए उसको प्रॉपर तरीके से उसी जगह पर लगाना चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद अपनी मदद आपके तहत ये कोशिश करते हैं कि स्टेज भी लगाती हैं जामा मस्जिद पे, जामा मस्जिद रोड के ऊपर मरकजी सीरत मिलाद कमेटी का एक जामा मस्जिद हनफिया के बिल्कुल सामने हमारा स्टेज होता है, तो अपनी मदद आपके तहत हमारे जितने भी टीम हैं जितने अहदेदार हैं वो सारे मिलकर जो है ना उसमें फंडिंग करते हैं, तो उसको खूबसूरत बनाते हैं, और आप लोगों ने प्रॉपर चैनलाइजिंग जी प्रॉपर, और हमारी कोशिश होती है कि जितने भी खुराफात होते हैं जैसे धमाले पार्टी होती हैं, जैसे आपको नाच गाना जब महसूस हो क्योंकि वो कलमात ऐसे चला दिए जाते हैं जो गलत तरफ जो है ना हमारा एक गलत मैसेज जो है करने के लिए, तो वो हम उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह पिछले 5-7 सालों में हमने बहुत बेहतरी लाई है, तो आइंदा इंशाल्लाह इसको मजीद बेहतर करेंगे, तो बस आपकी दुआएं चाहिए और इंशाल्लाह हम काम करते रहेंगे, हुजूर के मिलाद के हवाले से हमारी जान माल तन मन हर चीज हाजिर है। अच्छा आई साहब अगर आपसे कोई रब्ता करना चाहे तो उसके लिए क्या एक प्लेटफॉर्म रखा हुआ है कि आपसे वो किस तरह रब्ता करे, ये किसी का अगर की कोई मैसेज हो कोई पैगाम हो जुलूस के वाले से या वैसे मिलाद के वाले से तो आपका कैसे पहुंचे? देखिए हमारा मरकजी ऑफिस जो है ना वो जामा मस्जिद हनफिया के बिल्कुल साथ है, इस्लामी कुतुब खाने के नाम से वहाँ पर हमारा मरकजी सीरत मिलाद कमेटी का एक सब ऑफिस है, तो वहाँ पर रब्ता कर लें तो वहाँ पर मैं इंशाल्लाह अवेलेबल होता हूँ, तो अगर मैं किधर मसरूफियात की वजह से आगे पीछे हों तो वो मुझे रब्ता करके बुला लेंगे, तो इंशाल्लाह मैं सबकी बात सुनता हूँ और इसमें बेहतरी लाने के जो हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह उसमें पूरे बहुत शुक्रिया। आई साहब से गुफ्तगू की, हमारे साथ एक बड़े एक अजीम खानदान के माशाल्लाह इनके वाले साहब हुजूर के सना खान और ये माशाल्लाह हुजूर के सना खानों के गुलामों के गुलाम है जनाब आसिमुल्लाह भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, पहले तो बताएं सेहत भी ठीक है आपकी? अच्छा मुझे ये बताएं आपके तो घर से ऐसी तरबियत शुरू हुई है लेकिन वक्त के साथ साथ आप देख रहे हैं जदीद आ रहा है, टेक्नोलॉजी का दौर है, छोटे छोटे सोशल प्लेटफॉर्म का दौर है, लेकिन आप लोगों ने उसको ऐसा यूटिलाइज किया है, ऐसा चलाया है कि एक तो उसके लिए आपको शाबाशी देनी चाहिए हमें, सेकंडली ये कि आपने यूथ को अपने साथ रखा हुआ है, और सवाल मेरा आपसे ये बनता है कि अब आप यूथ को कैसे इकट्ठा करेंगे वो भी हुजूर के मिलाद के लिए, क्योंकि आजकल सारे दूसरी साइड पे ज़्यादा पसंद ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन इस साइड पे आप कैसे लेके आएंगे? बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम,
मैं अपने भाई इमरान अली मदनी का बहुत शुक्र गुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे वक्त दिया और मिलाद शरीफ के हवाले से आज बातचीत चल रही है हमारी। तो इसमें देखें, जिस पे हुजूर की नज़र है ना, उसको बुलाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप आएगा। और हमारे जुलूस का हुसन ये है कि इसमें लोगों को जमा करके नहीं लाना पड़ता, लोग अपने आप आते हैं, इसकी कशिश से आते हैं। और जो फैज़ान उस जुलूस में बट रहा होता है, आका की नज़र करम होती है एक एक गुलाम पर। और मैं ये समझता हूँ कि इस काम के लिए आप जो मर्जी कोशिश कर लें, जब तक नजर नहीं है आप इसकी अदायगी में एक जरा बराबर सांस भी नहीं डाल सकते। ये बहुत बड़ी बात। और जिंदगी हमें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में मिली है, एक एक सांस उनकी कर मकरूज है। और हमें चाहिए कि हम दीन की खातिर और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी उनसे उनकी ज़ात से मोहब्बत और उनके बताए हुए अस्वाए हसना पे ज़िंदगी गुजारने के साथ साथ उनकी नामूस की खातिर अगर अपनी जान से एक कतरा भी हम अदा करते हैं तो हम उनकी अता करदा जो उनके सदके में हमें अता हुई सांसें हैं, एक सांस का भी हम कर्ज अदा नहीं कर सकते। अच्छा आसिम भाई, एक क्रिटिसिज्म तकरीबन हर बंदे में चलता है, आपके इस पे, आपकी जो ये जमात है और आपकी जो ये मिलाद पार्टी है, इस पर भी क्रिटिसिज्म सुनने में आया था कि ये सारे सियासी इकट्ठे हो गए हैं। तो क्योंकि मैं तो आपको जानता हूँ कि आपका ताल्लुक किस घराने से और क्या ताल्लुक है, आप पहले ये चीज़ क्लियर करें हमारी ऑडियंस के लिए कि आप लोगों ने जो ये टीम बनाई, आपको शामिल किया गया, इसके पीछे क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, या सियासत चमकाना था, या अल्लाह और उसके रसूल के लिए खालिस आप कर रहे हैं? अवल तो देखने वाली आंखों तो पता लग जाता है, लेकिन एक दिल के अंदर बात होती है हर बंदे की, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू में क्या इसको पेश करते हैं? इसमें इमरान भाई, सबसे अहम चीज़ ये, हम सब दुनियावी एतबार से किसी न किसी ओहदे पे या किसी न किसी ओहदे से जुड़े हुए हैं, तो दुनियावी एतबार से अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी है, लेकिन ये इस काम के लिए हम सब का इकट्ठा होना जो कॉज था, वो कॉज ये था कि आपने गुज़िश्ता कुछ सालों में देखा होगा कि पंजाब के और दूसरे शहरों में मिलादुन्नबी के जुलूस में जिस किस्म की खुराफात हुई, या जिस तरह ये साल पहले मुल्तान के जुलूस में जो कुछ देखने को नज़र आया, तो आप इस चीज़ का इस अंदाज़ा लगा लें यहाँ से कि ये 7 साल पहले हमने इस चीज़ का अंदाज़ा किया कि अगर इसके हवाले से हमने काम नहीं किया तो जो खराफात पंजाब के दूसरे शहरों में आपको मिलादुन्नबी के जुलूस में देखने को मिली वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर भी जोर पकड़ जाती है। हमने सबसे पहले जुलूस को तमाम तर खराफात से मुबर्रा करने की कोशिश की कि उसमें बिल्कुल किसी किस्म की कोई खराफात बाकी ना रही। हमने पहले बड़ी गाड़ियों पे पाबंदी लगाई, बड़ी गाड़ियों के साथ हम ये कहेंगे कि हमने छोटी गाड़ियों पे भी पाबंदी लगा दी। उसके लगाने से एक फायदा हुआ कि जो कवाल या जो आप ये कहने के हमारे म्यूजिकल पार्टियां जिनका हमारे इस मिलाद शरीफ के मामले से किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है, हमने उनको बैन किया। अब इस साल हम मुत्तफिका तौर पर ये फैसला करने जा रहे हैं कि हम छोटी गाड़ी को अलाउ करेंगे सारे मराकज मिलके, और वो छोटी गाड़ी भी बगैर साउंड के जुलूस में शामिल हो सकेगी, जिससे जुलूस में इंशाल्लाह ताला रजीज पिछले 2 सालों की निस्बत इजाफा होगा जो लोग शिरकत करेंगे। अच्छा आसिम भाई, मैं यहीं पे एक सवाल करना जुलूस के वाले करना चाह रहा हूँ कि हम देखते हैं कि अहले तशी भी हमारे भाई हैं, जितने भी मकादबे फिक्र हैं हम उनके, क्योंकि अकलीतों का हमारे सर पर पाकिस्तान पर ही आपको बताइए कर्ज भी है और हमारा फ़र्ज भी है। ये मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो विद इन नाइट के जो 12 हैं उससे ऑनवर्ड कुछ जगह की लाइटें क्लोज होना शुरू हो जाती है, शायद ये बात आप तक पहुंची हो, मुझे कहा गया कि ये सवाल मैंने आप लोगों से करना है, तो ये समझ लें कि किसी की इमारत में आपके आगे रख रहा हूँ, तो इस हवाले से आप लोगों की इंतजामिया से कोई बातचीत की है या करेंगे, या ये पॉइंट उन्हें देना चाहिए कि एक तो जुलूस का टाइम या एक्सटेंड करें, या देखिए कोई भी पार्टी, ये भी कल भी मैंने एक दो अपने सीनियर हमारे जो हैं उनसे बात की कि ये जो जुलूस है वो पूरा नहीं होता, या तो वो गाड़ियों की वजह से, या वो स्टेजों के क्लोजनेस की वजह से, या कोई धमाल के सिस्टम की वजह से। एक ये पॉइंट क्लियर करना है, आप दूसरा ये बताना है कि आपने इंतजामिया के साथ आप किस तरह उनको लेके चल रहे हैं कि हमें टाइम दिया जाए, हमारी जो लाइटिंग वगैरह है इसको कम अज़ कम 2 या 3 के ऑनवर्ड ऑन रखा जाए, क्योंकि अमामो ना जो पार्टियों से हट के जो आती है पब्लिक, वो तो उसने तो ट्रैवल करना है, फिर ना टूटना, इसके बारे में बताइएगा। इमरान भाई, इस हवाले से हमारी इस साल के लिए जो उनकी मीटिंग्स हैं वो इंशाल्लाह कल से बाकायदा इंतजामिया के साथ शुरू हो जाएंगी। और जो मैं पिछले साल की बात करूँ तो पिछले साल भी हमें 2 बजे तक का वक्त दिया गया था इंतजामिया की तरफ से, हमने 1:30 बजे के बाद उसको वाइंड अप करने के प्रोसेस में हम खुद शामिल रहे हैं,
हम में से कोई भी बंदा हमारे मरकज का बशमूल हमारे सदर, हम तब तक जुलूस से आउट नहीं होते हैं जब तक हम जुलूस को पूरा मन तरीके के साथ लाइट के हवाले से बात, ऐसा हमारे नोटिस में एक आध बार आया और वो भी इस वजह से कि वहाँ पे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुई तो जिसकी वजह से लाइट बंद हुई। बाकी चार रोज के हवाले से वादा जो आइसको है वो अपने महकमे को एक लेटर जारी करता है, या कह लें आप उनको मतलब है कि ये बात बावर करवाई जाती है कि किसी किस्म की भी लोड शेडिंग जो उनकी है वो शहर में जहाँ पे चिरागा हैं, जहाँ पे महाफिल हो रही हैं, तो वहाँ पे ये लोड शेडिंग ना हो। ठीक है, बहुत अच्छी बात। बाकी ये है कि इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ इस साल के हवाले से इंतजामिया से कल से मीटिंग शुरू हो जाएंगी, वक्त का तयन इंशाल्लाह तमाम मराकज़ के साथ इंतजामिया के साथ मिल बैठ के होगा, और जो वक्त दिया जाता है उस वक्त से पहले हम ना तो जुलूस को वाइंड अप करते हैं और ना हम करने देते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जुलूस का तसलसल जहाँ कहीं पर टूटता है और पार्टियाँ वहाँ से अपने इलाकों की जानिब चली जाती हैं, तो वहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम ज़रूर देखने को मिली है कि फिर वहाँ के जो स्टेज के मुंतज़मीन हैं वो पार्टियों की वहाँ पर नुमाइंदगी ना होने की वजह से स्टेज ज़रूर बंद करते हैं। अच्छी बात। बाकी ये है कि हमारा जो मरकज़ है, जुलूस का मेवर है, जो सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल पैक रहता है, वो बांसों वाला चौक से लेके बनी चौक है, और इसमें आप किसी भी वक्त चक्कर लगाएं। ये 2 बजे का जो वक्त आपको दे रहे हैं, 2 बजे के बाद भी यहाँ पे एक गैमा गैमी जरूर है। आसिम भाई, जाते हुए एक यूथ के लिए मैसेज दे दें कि मिलाद के वाले से आप किस तरह उन्हें मदद करेंगे। मेरी यूथ के लोगों से यही गुजारिश है कि सब कुछ जो इस दुनिया में हमें मिला है वो हुजूर के सदके मिला है। जो सांसें, जो जान आपको मिली है, जो पैदाइश आपको मिली है, वो हुजूर के सदके मिली है। तो इस जुलूस का हिस्सा बने, बावजू होकर तशरीफ लाएं और अपनी ज़ुबान पर दुरूद सलाम का फिर जारी और सारी रखें अकीदत के साथ, और एक बातहजीब होकर इस जुलूस का हिस्सा बने। आप खुद देखेंगे कि जब आप इस जुलूस में शामिल रहेंगे तो आपको खुद एक फील आएगी कि आपने आज अपनी अपने वक्त में से एक ऐसा वक्त दिया जिसका कल को इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आपको महशर में अजर व सवाब, बेहतरीन अजर व सवाब मिलेगा। जज़ाकअल्लाह। नाज़रीन, आपने देखा कि मैंने पब्लिक प्लेस पे खड़े होकर इन दोनों का इंटरव्यू किया। जो लोग कहते हैं कि ये लोग टाइम नहीं देते, ये हमें मिलते नहीं, ये उनके लिए एक बड़ी गवाह के लिए वीडियो है कि एक पब्लिक प्लेस पे चलते हुए मैंने इन्हें रोका और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे कहने पे रुके, और इसी रंग की वजह से अल्लाह ताला इनमें इनके हिस्सों में बरकतें दे रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। ये मिलाद के हवाले से, जिसने आमद के हवाले से, ये हमारा पैगाम था पूरी दुनिया के लिए। और इख्तिताम में मैं इस शेर से ज्यादा चाहूँगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। बहुत शुक्रिया। जजाकअल्लाह जी, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।